हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। BSTC प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का अध्ययन कर रहे हैं। इकाई दो अपने चल रही है। इकाई दो में हम दर्शनों के बारे में और परंपराओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और परंपराओं में भी हम यूनानी सभ्यता, प्राचीन यूनानी सभ्यता यानी दार्शनिकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सुकरात के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हमारा जो भी टॉपिक रहेगा वो है प्लेटो, यानी सुकरात के बाद में जो महान दार्शनिक और गौरव रूप से उनका नाम लिया जाता था वो है प्लेटो। BSTC फर्स्ट ईयर। शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या विषय है ये, और ये अपने सेकंड पेपर है। अपना जो प्रकरण है आज वो है प्रकरण प्लेटो, जो कि बहुत ही महान दार्शनिक था, और इसका जो कार्यकाल रहा है 428 से 348 ईसा पूर्व। इनकी जो अवधि रही है 428 में इनका जन्म हुआ 428 ईसा पूर्व, और 348 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। सुकरात के बाद में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है, सुकरात के बाद प्लेटो ही महान दार्शनिक बना। मतलब अगर सुकरात के बाद अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है शिक्षा दार्शनिक में, तो वो है अपने प्लेटो। वो प्लेटो का नाम लिया जाता है, यानी प्लेटो सुकरात के बाद महान व्यक्ति बना। इसका जन्म धनी और वैभवपूर्ण घराने में एथेंस के अंतिम राजा, उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ, एथेंस के अंतिम राजा क्राइडर्स के घर 428 ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब अगर किसी राजा के घर में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो जायज बात है कि वो उसका जो मतलब जीवन एकदम सुखी संपन्न होता है, वैभवपूर्ण होता है, संपन्नतापूर्ण होता है, यानी उसको मतलब राज से ही या राजघराने से संबंध रखता है, तो उसका जो पालन पोषण होता है बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। प्लेटो की माँ का नाम था सोलन, जो प्लेटो की माँ थी वो सोलन वंश की थी। प्लेटो की मां सोलन वंश की थी। इनकी जो मां थी वो सोलन वंश की थी। वह भी धन तथा वैभव से परिपूर्ण घराना तथा प्लेटो राजघराना का शाही बेटा था। मतलब इनकी मां भी शाही घराने की थी, मतलब दोनों माता पिता शाही घराने के थे, तो प्लेटो राजघराने का क्या था, शाही बेटा था। राजनीतिक घराने के कारण प्लेटो को सब कुछ वो अपने पिता अरिस्टिन के से प्राप्त हो गया। यानी इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम अरिस्टिन था,
अरिस्टन था। इनके पिता का नाम अरिस्टन था। और जितना भी वैभव है, जितना भी मतलब धन दौलत है, संपत्ति है, उनके पिता से प्राप्त हुई। किंतु प्लेटो धन संपदा तथा राजसी ठाटबाट के कारण लोग हित की सोच में परिचित नहीं हो सका। युवा अवस्था आते आते उनके मानसिक उथल पुथल ने प्लेटो को झकझोर दिया। मतलब युवा अवस्था में उनकी मानसिक विचारधारा चेंज हुई, यानी विचारधारा परिवर्तन हुई। यानी उनकी जो मानसिकता थी, उनकी जो विचारधारा थी, वो युवावस्था में आके उनके परिवर्तन हुई। इस कारण प्लेटो को शासन निर्दयी शासकों के सानिध्य में आ गया। यानी जो इनका जो शासन था, इनके पिता का जो शासन था, वो निर्दयी था, क्योंकि इन्हीं के परिवार ने, इन्हीं के राजघराने से सुकरात को विष देकर उसको मारा गया था। और यही दृश्य प्लेटो ने भी देखा था। और प्लेटो ने जब ये दृश्य देखा तो उसके भी मतलब आत्मा मतलब झंझोर गई, और उसने फिर अपने परिवार को छोड़कर जगह जगह अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। इस कारण प्लेटो के शासन सुकरात के साथ निर्दयी व्यवहार में भी इन्हीं शासकों का हाथ था। इस घटना ने प्लेटो को व्यथित कर दिया। यानी सुकरात को प्लेटो के राजघराने ने विष देकर मारा, तब प्लेटो का हृदय द्रवित हो गया। यानी जब सुकरात को प्लेटो के राजघराने ने, यानी इनके माता पिता, इनके पिताजी जो एक के राजा थे, एथेंस के राजा थे, उन्होंने जब विष देकर उसको मारा, तब इनका भी मन मतलब झंझोर गया और द्रवित हो गया। और जब इनको दिया था, तब प्लेटो 28 वर्ष के थे। कितने? 28 वर्ष के थे। अपने परम प्रिय आदरणीय गुरु सुकरात, यानी और ये अपने प्लेटो सुकरात को गुरु मानते थे, इनको आदरणीय गुरु मानते थे। और उन्हीं गुरु के कारण आज उनकी जब हत्या हुई, जगन्नी हत्या हुई, तो प्लेटो की आत्मा रो उठी। आचार्य तो इस बात की है कि प्लेटो का पूरा सुकरात निदान गरीब तथा मतलब प्लेटो का जो परिवार था वो गरीब था, और सुकरात का जो परिवार था वो गरीब था, और प्लेटो का जो परिवार था वो राजशाही घराने का था। तो भी प्लेटो के ऊपर सुकरात का मतलब कि प्रभाव पड़ा। जबकि प्लेटो राजघराने का शाही पुत्र था, वह विद्रोह स्वरूप एथेंस छोड़कर विश्व भ्रमण हेतु अब सुकरात के विद्रोह स्वरूप एथेंस छोड़कर विश्व के मेगारा मिस्र, इटली तथा भारत भ्रमण पे गए।
भारत भ्रमण पर गए, मतलब एथेंस छोड़कर भारत भ्रमण पर गए। प्लेटो 10 वर्ष तक बाहर रहने के बाद, मतलब 10 साल बाहर रहने के बाद फिर वापस से वो एथेंस पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक एकेडमी की स्थापना की, मतलब एथेंस में उन्होंने एक एकेडमी की स्थापना की। मतलब 10 वर्ष के बाद, 10 साल के बाद वो वापस एथेंस पहुंचे और उन्होंने फिर एकेडमी की स्थापना की। फिर उन्होंने ये एकेडमी प्लेटो द्वारा लगभग 40 वर्ष तक शिक्षण तथा शिक्षा का प्रसार किया, मतलब इन्होंने इसी एकेडमी ने 40 साल तक प्रसार और शिक्षा का प्रचार किया। अब इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी, उन्होंने रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं लिखी, इन्होंने जो इनके द्वारा जो रचनाएं की गई थी वो थी पहले ओपोलॉजी, दूसरी थी इनकी क्रीटो, तीसरी इनकी थी फीडो, चौथी इनकी फीडो, उसके बाद चौथी थी इनकी उसके बाद रिपब्लिक, पांचवी थी इनकी रिपब्लिक। छठे इनकी थी लॉ, दी लॉस, ठीक है इनकी। और सबसे इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी रिपब्लिक, जिसमें आदर्श राजाओं के स्वरूप का उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।